हेलो एंड वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल दिस इज डॉक्टर दमन बेनीपाल प्रेजेंटिंग यू डेली करंट अफेयर्स कवरिंग ट्वेंटी थर्ड फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेल इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं सो लेट्स बिगिन विद इट तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ इट इज़ अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस वेल रिसेंटली रशिया ने यह कहा दैट दे विल पुल बैक सम ऑफ देयर ट्रूप्स फ्रॉम द ईस्टर्न यूक्रेन एंड जिसके बाद ये लग रहा था दैट मे बी द रशिया यूक्रेन क्राइसिस कैन कम टू अ क्लोज हाउ एवर ग्राउंड लेवल पे इसे लेकर हमें कोई रियल स्टेप्स नहीं दिख रहे थे एंड जिसे लेकर इवन यूएस और जर्मनी ने भी रशिया को अर्ज किया कि उनको डीएसकलेशन के टूवर्ड्स कुछ रियल स्टेप उठाने चाहिए हावे वो समथिंग हैज़ हैपन्ड जिसने इस डी एस्कलेशन को कम्प्लीटली जेपरडाइज कर दिया है इस न्यूज़ आर्टिकल में हम इसे समझेंगे नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द रशिया यू कॉन्फ्लिक्ट एंड इसी के साथ साथ जो बैकग्राउंड है इस क्राइसिस का उसे एक बार रिफ्रेश करेंगे वी विल अंडरस्टैंड कि जो रशिया ने कुछ ब्रेक अवे रीजन्स को रिकगनाइज़ किया है इसकी इम्प्लीकेशन क्या हैं

ईस्टर्न यूरोप में दोनेस्क एंड लोहानस नाम की ये दो ब्रेक अवे टेरेट्रीज हैं इन दोनों को रिकगनाइज करने का मोशन ड्यूमा के अंदर रेस किया गया वेल इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ड्यूमा uh, ने इस मोशन को बैक किया वो भी उस टाइम पे जब रशिया और नेटो अलायंस दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग यू नो पीस एंड दे वर ट्राइंग टू ईज द टेंशन एंड डीएसकलेशन के लेकर टॉक्स uh, चल रही थी उस टाइम पे रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा ने इस मोशन को बैक किया है वेल well, डेफिनेटली uh, इसने यूक्रेनियन लीडरशिप की अटेंशन ली है जिसके बाद यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपील की दैट दे शुड एड्रेस यू नो दिस ड्यूमाज मोशन बिकॉज इट डेफिनेटली अंडरमाइन द पीस ट्रीटी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में 2014 में पीस एग्रीमेंट हुआ था ये उसको पूरे तरीके से अंडरमाइन करता है ना अगर हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड समझें तो वी विल सी दैट जो दोनेस्क और लोहानस्क रीजन है दे आर बेसिकली एट हार्ट ऑफ दिस क्राइसिस दोनेस्क एंड लोहानस जैसे कि अभी हमने पीछे मैप देखा दे आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न यूक्रेन एंड 2014 थाउजेंड फोर्टीन में इन एरियाज़ ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी फ्रॉम यूक्रेन लेकिन किसी भी कंट्री ने अभी तक इनको सॉवरन स्टेट्स आइडेंटिफाई रिकगनाइज नहीं किया था अब तक जब रशिया ने ये मोशन पास किया है दैट दे विल आइडेंटिफाई एंड एज अ सॉवरन स्टेट लेकिन इसके अलावा ट्यूसडे uh, तक किसी भी कंट्री ने इनको एज अ सॉवरन स्टेट आइडेंटिफाई नहीं किया था रिकगनाइज नहीं किया था एंड uh, ये जो दो और लोहानस की जो दोनों पोर्शंस हैं दे आर बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय रशियन एंड द रशियाज बैक्ड सेपरेटिस्ट फोर्सेज टू से ही यहाँ पे रशियन बैक्ड फोर्सेज प्रेजेंट हैं एंड काफ़ी कम पॉपुलेशन है यहाँ पे अगर हम बात करें दोनेस्क की तो कुछ 2.3 मिलियन पीपल दे लिव इन दोस्क एरिया एंड लोहानस्क में कुछ 1.5 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन है एंड ये जो ब्रेकअपे टेरेटरीज़ हैं दोनेस्क एंड लोहानस्क दे आर एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन रशिया फॉर दे फाइनेंशियल मिलट्री सपोर्ट एंड इवन दोस्क और लोहानस के लीडर्स ने भी ये ओपनली प्रपोज किया है दैट दे विल भी ज्वाइनिंग द रशियन फेडरेशन नाउ रशिया इज़ बैकिंग द रेबल्स जो कि बेसिकली यूक्रेनियन ट्रूप्स के साथ फ़ाइट कर रहा था एंड 2014 से ही रशिया बैग्ड uh, ये जो रेबल्स uh, हैं और यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं इनके बीच में जो टसल है वो चल रही थी एंड इसीलिए जो पीस एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन टू उस एग्रीमेंट का दोनेस्क और लोहानस दे आर द की टू दोज पीस एग्रीमेंट्स नाउ अगर हम यूक्रेन uh, क्राइसिस को रिकॉल करें तो इट ऑल बिगेन इन 2013 2013 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टोर यानोकोविच उन्होंने एक डील रिजेक्ट की विच वाज अबाउट द ग्रेटर इंटीग्रेशन विद यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के साथ जो इंटीग्रेशन की डील थी इसे यूक्रेन के प्रेजिडेंट विक्टोर यानोकोविच ने रिजेक्ट किया वेल well, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मास प्रोटेस्ट शुरू हुआ एंड यहाँ पे समझना होगा कि रशिया ने बेसिकली यानोकोविच uh, को सपोर्ट किया वेयर एज यू एस एंड यूरोप दे सपोर्टेड दी प्रोटेस्टर्स ना आफ्टर दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे जिनकी वजह से यानोकोविच की जो गवर्नमेंट थी उसे टॉपिल किया गया एंड वी सॉ दैट रशिया इन्वेडिड एंड एनेक्स्ट क्रीमिया एंड उसके बाद जो प्रो से, uh, रशिया सेपरेटिस्ट रेबल्स थे उन्होंने ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो टेरेटरीज थी उनको सीज करना शुरू किया सो दिस वॉर वॉज मेनली सेंटर्ड अराउंड दी डोंबास रीजन ना जब हम दोंबास रीजन कहते हैं तो इसके अंदर डोनेस्क और लोहानस दोनों एरियाज को मिलाकर दौनबास एरिया कहा जाता है तो ये जो टसल चल रही थी इट वॉज अराउंड द डॉनबास रीजन ओनली ना यहाँ पे एक और चीज़ समझनी होगी कि हम इस वॉर को सिंपली सिविल वॉर क्लासीफाई नहीं कर सकते कि यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन के जो सेपरेटर्स हैं उनके बीच में सिविल वॉर चल रही है बिकॉज यहाँ पे रशिया भी एक ही फैक्टर है नाउ 2015 में आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट एट सीज़ फायर इससे पहले मिन्स वन एग्रीमेंट आता है एंड इसके अंदर सीज़ फायर की बात आती है बट दोनों ही साइड्स ने इसकी वायलेशन कर दी थी एंड आफ्टर दैट 2015 में मिन्स टू एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है टू ब्रिंग द पीस टू दौनबास एरिया दौनबास एरिया डोनेस्क और लोहानस्क रीजन्स को मिलाकर ईस्टर्न यूरोप में दौनबास एरिया कहा जाता है सो इट वॉज साइंड मिंस्क बेलारूस में इसको साइन किया गया था बाई द लीडर्स ऑफ यूक्रेन रशिया फ्रांस एंड जर्मनी सो नाओ वन कुड आर्ग्यू के जो रिसेंट रशिया यूक्रेन टेंशनस चल रही हैं अलॉन्ग दॉर्डर इट ऑज बिकॉज ऑफ द पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिंस्क टू एग्रीमेंट और इसकी कुछ और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी की जा सकती हैं नाउ यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो मिंस्क एग्रीमेंट या अकॉर्ड जो साइन किया गया इसके अंदर यूक्रेन के लिए ये इनविजेश किया गया कि जो दोस्क और लोहानस्क वाला एरिया है इसे यूक्रेन के अंदर यू नो एब्सॉर्ब किया जाए विद अ स्पेशल स्टेटस वेयर एज रशिया ने इस अकॉर्ड को ऐसे देखा कि इसके थ्रू जो लोहानस्क दोस्क का एरिया है यहाँ पे रशिया अलाइन एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आया जा सकता है जिसके लिए रशिया ने इस एरिया को स्पेशल स्टेटस ग्रांट कर दिया इवन बिफोर दे कुड बी यूनाइटेड विद द द रेस्ट ऑफ यूक्रेन ना इसकी वजह से ये जो दो ब्रेक अवे रीजन्स हैं ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेस्क और लोहानस्क इसको रशिया ने रिकगनाइज किया वेल well, इसकी वजह से रशिया को एक यू नो डी फैक्टो कंट्रोल मिल जाता है इस इस रीजन के ऊपर एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस कंट्रोल नाउ यूक्रेन विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स वेस्ट एंड इवन द नेटो एंड इसीलिए यू नो इसको लेकर ड्यूमा ने इसे काफ़ी पुश किया ताकि इन जो ब्रेक अवे स्टेट्स इनको रिकेगनाइज़ किया जाए वेल well, जो रिकोगशन दी गई है इट इज़ डेफिनेटली व्यूड एज यू नो अ थ्रेट टू यूक्रेन एंड एज वेल एज टू द मिन्स अकॉर्ड वेल इस पूरी इशू को लेकर अगर हम इंडिया का स्टैंड देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में uh, डिबेट चल रही थी उस दौरान इंडिया ने यह कहा कि जो यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर पर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है और उसे इंडिया यू you नो know, काफ़ी ज़्यादा वॉच कर रहा है एंड अलॉन्ग विद दिस जो रशिया ने जो सेपरेटेड स्टेट्स से हैं इनको रिकगनाइज किया है दौनबास एरिया में इसे भी इंडिया वॉच कर रहा है विद डीप कंसर्न हाउएवर इंडिया हैज़ नॉट ओपनली क्रिटिसाइज द रशियाज एक्शन ड्यूरिंग द डिबेट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वेल यहाँ पे जो इंडिया का स्टैंड है दैट इज क्लियर इंडिया हैज़ चोजन नॉट टू जॉइन द वेस्टर्न कॉल्स फॉर एक्शन अगेंस्ट रशिया एंड इंडिया uh, ने यह कहा कि इंडिया की इमिडियट पारिटी यही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशनज हैं uh, उसको लेकर उनको डीएस कलिएट किया जाए एंड यू नो दे शुड एम टू वर्ड्स अ लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर एज अगर हम यूके यू एस और यूरोपियन यूनियन की बात करें इवन कीनिया की बात करें सो दे हैव नो कॉल्ड दिस रशियाज डिसीजन एज एन अटैक ऑन यूक्रेन सॉवरानिटी एंड दे हैव प्रस दी सेंक्शन एंड अदर एक्शन अगेंस्ट रशिया एंड इस पूरे इशू को लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गिटर्स ने भी ये कहा कि ही इज ग्रेटली कंसर्न बाय द रशियाज डिसीजन ऑन द स्टेटस ऑफ द एरियाज ऑफ द नेस्क एंड लोहानस ऑफ यूक्रेन सो दीज वर दवलपमेंट्स इन दिस क्राइसिस एंड द स्टैंड ऑफ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आफ्सपा से रिलेटेड है आफ्सपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वेल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इसे नागालैंड पे इम्पोज किया गया है वेल well, इसे लेकर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी दिसंबर मंथ में एंड इस कमेटी का एम था टू स्टडी द विड्रॉवल ऑफ आफ्सपा फ्रॉम नागालैंड एंड इस ईशू को स्टडी करने के लिए अपनी फाइंडिंग्स को कंक्लूड करने के लिए इस कमेटी को 45 डेज की डेडलाइन दी गई थी बट 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स जो हैं उन्हें कंक्लूड करके रिपोर्ट सबमिट नहीं की है वेल इस पैनल को बेसिकली फॉर्म किया गया बिकाज़ दिसम्बर मंथ में तकरीबन थर्टीन विलेज नागालैंड के दे विल्ड बाई दी एंड इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट नागालैंड में इस इशू को लेकर शुरू हुए एंड जिसके बाद नागालैंड असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया अबाउट द रिपील ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट फ्रॉम नागालैंड वेल जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने इस कमेटी को फॉर्म किया ताकि जो जो भी सूटेबल रिकमेंडेशनस हैं रिलेटेड टू दफ्स पार रिमूवल फ्रॉम नागालैंड उन रिकमेंडेशन को उन फाइंडिंग्स को ये जो कमेटी है वो कंक्लूड करे ना यहाँ से आफ्सपा क्या है इस पॉइंट को टच करते हैं अलॉन्ग विद दिस वट इज़ अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड हु डिक्लेयर्स इट एंड वट आर द बेसिक कॉन्ट्रोवर्सीज अराउंड दिस एक्ट लेट्स टॉक अबाउट इट ना अगर हम आफ्सपा की बात करें आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वेल एज द नेम सजेस्ट ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं इनको कुछ स्पेशल पावर्स देते हैं वेन दे डिप्लॉयड इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया जब इनको डिस्टर्ब एरिया में डिप्लॉय किया जाता है दे गेट द पावर्स लाइक दे कैन किल एनी वन हु वॉज एक्टिंग यू नो इन कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ द लॉ वो किसी भी परप्रमाइसिस को दे कैन यू नो सर्च दे कैन अरेस्ट एनी वन विदाउट अ वारेंट इसके साथ साथ जो इनके एक्शन्स हैं दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड ऑल द लीगल सूट्स ना ये जो लॉ है ये पहली बार नाइनटीन फिफ्टी एट में आया था बेसिकली टू डील विद द अपराइजिंग इन नागा हिल्स एंड इसके तुरंत बाद असम के अंदर जो इंसर्जेंसी थी उसको डील करने के लिए भी आफ्सपा को यूज़ किया गया था नाउ आफ्सपा के अंदर जो डिस्टर्ब्ड एरिया टर्म है ये इंपॉर्टेंट है uh, किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन थ्री ऑफ आफ्सपा सो एन एरिया कैन बी कॉल्ड डिस्टर्ब्ड अगर उस एरिया के अंदर यू नो डिफरेंट रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज रिलीजन ग्रुप्स कास्ट कम्युनिटीज़ अगर इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं डिफरेंसेस चल रहे हैं सो दैट एरिया कैन बी डिस्टर्ब्ड और उस एरिया को सेक्शन थ्री ऑफ आफ्सपा के थ्रू डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस डिस्टर्ब्ड एरिया uh, को डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है वेल well, ये एक कॉन्करेंट पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप कह लीजिए इवन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इन दोनों के पास ये पावर है जिसके थ्रू स्टेट uh, का कुछ हिस्सा या फिर पूरी की पूरी स्टेट को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है सो सेंटर एज वेल एज स्टेट और यूटी दे हैव पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया ना आफ्सपा की विड्रॉवल को लेकर यू you नो know, ये पूरी कमेटी बनी है और इसको लेकर प्रोटेस्ट नागालैंड में चल रहा था सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वॉट आर द्रोवर्सीज रिलेटेड टू यू नो आफ्सपा वेल well, सबसे पहले अगर हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आफ्सा के अंदर जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको काफ़ी पावर्स दी जाती हैं दैट इफ़ दे नीड टू मेंटेन दी पब्लिक ऑर्डर और उसकी मेंटेनेंस के लिए दे कैन इवन फोर्स एंड शूट एनी वन एंड इफ दे वर यू नो कॉजिंग अ थ्रेट टू दी पब्लिक ऑर्डर तो ये एक बड़ी पावर जो है सिक्योरिटी uh, पर्सनल्स को दी जाती है दे कैन एंटर द प्रोमाइस दे कैन सर्च दे कैन अरेस्ट एनी वन विदाउट अ वॉरेंट तो ये जो चीज़ें हैं दिस सम हाउ यू नो वायलेट्स दी ह्यूमन राइट्स एंड जिसके बाद हम यू नो न्यूज़ सुनते हैं अबाउट द एलीगेशन ऑफ़ फेक इनकाउंटर्स एंड द अदर ह्यूमन राइट वायलेशन जो कि बेसिकली जो आफ्सपा है उसको एक बहुत बड़े क्वेश्चन में लेकर आ जाता है वेल well, इसी लेकर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जीवन रेड्डी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमेटी को 2004 में अपॉइंट किया था टू बेसिकली रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जीवन रेड्डी कमिटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि जो आफ्सपा है इट शुड बी रिपील्ड एंड कुछ और प्रोविजंस जो हमारा अनलॉफुल यू नो एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का यू इसके अंदर कुछ और अप्रोप्रिएट प्रोविजंस आपको इंसर्ट करने चाहिए टू मॉडिफाई इट ताकि कुछ पावर्स आप आर्म्ड फोर्सेस को दें पैरामिलट्री फोर्सेस को दें सो दैट यू नो दे कैन मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर बट द आफ्सपा सच शुड बी रिपील्ड एंड इवन सेकेंड ए आर सी की जो रिकमेंडेशन है फिफ्थ रिपोर्ट जो सेकेंड ए आर सी की आई थी uh, उन्होंने भी पब्लिक ऑर्डर को लेकर यही कहा कि दे ऑल्सो रिकमेंडेड दैट आफ्सपा शुड बी रिपील्ड हाउ एवोर ये जो रिकमेंडेशन हैं इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है वी विल अंडरस्टैंड प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम क्या है इसके एम बेनिफिशरीज इसके फीचर्स क्या हैं वी विल अंडरस्टैंड इट सो so, प्रधानमंत्री आवास योजना को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज ग्रामीण एंड द अदर वन इज़ अर्बन सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं तो इसका uh, जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 एंड इससे पहले हमारी इंदिरा आवास योजना थी uh, इसी को यू नो इट वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड एज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड इसको फर्स्ट अप्रैल 2016 से इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये स्कीम आती है uh, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करें एंड इसका एम यही है कि जो भी रूरल फ़ैमिलीज़ हैं दे शुड हैव अ पक्का हाउस विद ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज दोज़ हु आर होमलेस दो आर लिविंग इन कच्चा हाउसेज़ दे शुड गेट अ पक्का हाउस बाय द एंड ऑफ मार्च 2022। सो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो इसके अंदर बेसिकली जो बिलो पावर्टी लाइन जो रूरल पीपल हैं उनको हेल्प की गई टू डेवलप यू नो अपा मकान जो उनका कच्चा हाउसेस हैं उनको अपग्रेड किया जाए वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जाए इन दी फॉर्म ऑफ फुल ग्रांट तो इसके बेनिफिशरीज़ में बेसिकली एस सी एंड जो फ्री बाउंड लेबरर्स हैं नॉन एस सी एस टी कैटेगरीज़ के अंदर भी लोग जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए बी पी एल इसके अंदर इंक्लूड किया गया एक्स सर्विस मैन रिटायर्ड फ्राम पैरामिलिट्री फोर्सेज डिस एबल पर्सन माइनॉरिटीज़ सो ऑल दिस सेक्शन वॉज इंक्लूडेड एंड जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस के थ्रू ग्राम सभा जियो टैगिंग इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया गया नो यहाँ पर कॉस्ट शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है जो प्लेन्स हैं वहाँ पे सेंटर और स्टेट में सिक्सटी इज टू फोर्टी के अंदर जो कॉस्ट शेयरिंग है वो की जा रही है मतलब सिक्सटी परसेंट विल बी गिवन बाय सेंटर एंड फोर्टी परसेंट बाय द स्टेट वेल द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एंड जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे जो कॉस्ट शेयरिंग है वो नाइन्टी इज टू थर्टी रेशियो में की जाती है नाइन्टी परसेंट बाई सेंटर एंड टेन परसेंट बाई द स्टेट तो इसके फीचर्स को अगर हम और डिटेल में देखें तो जो हाउसेज हैं उनका जो मिनिमम साइज है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव स्क्वायर मीटर एंड विद अ हाइजीनिक कुकिंग स्पेस इंक्लूडेड एंड इसे लेकर प्लेन्स के अंदर सेवेंटी थाउजेंड टू वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड की असिस्टेंस ग्रांट की जाएगी एंड हिली एरियाज़ में सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू वन लाख थर्टी थाउजेंड की असिस्टेंस दी जाएगी वेल well, यहाँ पे टॉयलेट्स uh, की जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर भी असिस्टेंस दी गई एंड इसको कवर किया गया थ्रू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड मनरेगा एंड इसके अंदर पाइप ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एल गैस कनेक्शन जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इन सब को यहाँ पे इंक्लूड uh, किया गया सिमिलरली हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आती है इसे 2015 में लॉन्च किया गया था अर्बन एरियाज के अंदर हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्योंकि अब हम अर्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आ जाता है इसके अंदर जो अर्बन हाउसिंग की जो शॉर्टेज है यू नो लिविंग इन स्लम्स जिनके पास पक्का हाउस नहीं है उनको यहाँ पे एड्रेस किया गया बाय इंश्योरिंग अ पक्का हाउस इसके अंदर सारे अर्बन एरियाज़ को कवर किया गया जिसमें कोई स्टेटरी टाउन है कोई नोटिफाइड प्लानिंग एरियाज़ हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एवरीथिंग यू नो एज़ अर्बन एरिया उस सारे एरिया को यहाँ पे इंक्लूड किया गया एंड यहाँ पे भी वही बात है कि जो हाउसेस हैं वहाँ पे बेसिक कम्यूनिटीज़ होनी चाहिए टॉयलेट वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी किचन एंड इसके अंदर इवन वूमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया गया एंड जो ओनरशिप है जो हाउस की दैट इज़ इन नेम ऑफ फैमिली मेम्बर एंड बेनिफिशरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो डिफरेंटली एबल्ड हैं सीनियर सिटीजन एस सी एस टीज़ ओ बी सीज माइनॉरिटीज़ सिंगल वीमेन एंड ट्रांसजेंडर और जो बाकी हमारे वीकर और वनबल सेक्शंस हैं सोसाइटी से के उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड है ना मिड डे मील स्कीम की अगर हम बात करें इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम इस स्कीम uh, को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कवर किया जाता है एंड इट इज़ अ सेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसे 1995 में लॉन्च किया गया था एंड इस स्कीम का एम है कि इस उस टाइम पे जो प्राइमरी स्कूल्स थे उनको कवर किया गया था ताकि वहाँ पे जो कुक्ड मील है हर एक बच्चे को वो मिल सके स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ सिक्स टू फोटीन इयर्स वो सारे बच्चे जो सिक्स टू 14 इयर्स ऑफ एज की कैटेगरी में आते हैं क्लास वन टू क्लास एट तक वो बच्चे जो स्कूल्स में एनरोल करते हैं अटेंड करते हैं उनको वहाँ पे कुक्ड मील मिलेगा सो इट इज़ बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम जिसका मेन गोल था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन हो सके इंडिया में हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिल सके एंड इसी के साथ साथ इट इज़ इट विल एड्रेस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन फ्राम अर कंट्री हमारे कंट्री के अंदर जो स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट और जो अटेंडेंस थी वो इससे इंक्रीज हुई एंड डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग द कास्ट एंड इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट द वेरी ग्रास रूट लेवल एंड इट विल ऑल्सो क्रिएट वेमेन एम्पावरमेंट एज वेल एंड इस स्कीम को लेकर सबसे पहले तमिलनाडु ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था आगे बढ़ते हैं इसके अलावा एक और वेलफेयर स्कीम न्यूज़ में है विच इज़ पी एम केयर स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ़ वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा कि जो पी एम केयर स्कीम है फॉर चिल्ड्रेन हुआ ऑफन बाई कोविड नाइन्टीन पैंडमिक द स्कीम हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल फेबररी ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू पहले इस स्कीम को दिसंबर थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक वैलिड किया गया था बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल फेबररी ट्वेंटी एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस स्कीम के अंदर वो सभी चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ देयर पेरेंट्स एंड यू नो जो भी उनका लोन सर्वाइविंग पेरेंट या जो लीगल गार्डन था कोई भी अडॉप्टिव पेरेंट इफ़ दे हैव लॉस्ट देम ड्यू टू कोविड 19 आफ्टर मार्च इलेवेंथ 2020 उनको इस स्कीम के अंदर कवर किया जाता है एंड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम जो चाइल्ड है जो बच्चा है शुड नॉट टर्न एटीन ऑन द डेट ऑफ द डेथ ऑफ देयर पेरेंट इस स्कीम को बेसिकली 2021 uh, में मई के अंदर लॉन्च किया गया था बेसिकली टू गैप द फंडिंग फॉर द एजुकेशन हेल्थ एंड जिसको लेकर जो मंथली स्टाइपेंड है uh, वो दिया जाएगा फ्रॉम द एज ऑफ 18 अपार्ट विद दिस एक लमसम अमाउंट अमाउंट दी जाएगी ऑफ रुपीज़ टेन लाख जब जो बेनिफिशरी है वो ट्वेंटी थ्री ऑफ एज के हो जाएंगे सो so, पी केयर की अगर हम बात करें इट इज बेसिकली सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन एंड इसके अंदर एक फंड भी सेटअप किया गया था फॉर बेसिकली टू एक्सेप्ट दी डोनेशन एंड टू प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन पैंडमिक एंड ये जो पी एम केयर फंड है इट इज़ बेसिकली ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इसकी जो ट्रस्ट डीड है इसे ट्वेंटी ट्वेंटी मार्च में रजिस्टर किया गया था इट कैन अवेल डोनेशन फ्राम फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इसके अंदर जो फंडस हैं दे केन ऑल्सो अवेल हंड्रेड परसेंट टैक्स एक्ज जो भी फंड यहाँ पर डोनेट किए जाते हैं

हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड कॉमेंट डाउन बिलो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन थैंक्स फॉर वॉचिंग